हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट टीचर के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 61 टू 75 करेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 61। आप इसको देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, बिफोर और आफ्टर जो हमारे दो वर्ड हैं, ये एक प्रेपोजिशन और दोनों, मतलब ये भी प्रेपोजिशन के रूप में काम कर सकता है और दोनों कंजंक्शन के रूप में भी काम कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई विल मीट यू बिफोर 5 o'clock, तो यहाँ पे बिफोर के बाद कोई क्लॉज नहीं आया, तो ये प्रेपोजिशन है। अगर आई विल मीट यू बिफोर यू गो, बिफोर यू गो, यहाँ पे इसने क्या लिया, क्लॉज लिया यू गो, तो यहाँ पे कंजंक्शन है। तो यहाँ पे जो हमें बिफोर दिया गया है वो एक प्रेपोजिशन के रूप में दिया गया है और इसने अपने बाद एक नाउन लिया हुआ है। प्रेपोजिशन अपना लास्ट वर्ड जो होते हैं नाउन लेते हैं, राइट। और जैसा कि आपने पिछली सीरीज में देखा होगा, प्रेपोजिशन फ्रेज जो होते हैं सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो पोजिशन है बिफोर देयर डेथ, जो कि टाइम का एडवर्ब है, यहाँ पे ये एंड पोजिशन लेकर बैठा हुआ है। आपने पिछली सीरीज में देखा होगा हम लोगों ने एडवर्ब की 3 पोजिशन रखी थी, मिड, फ्रंट और एंड पोजिशन में देखी थी, जिसको मैंने पिछले सेट्स में एक्सप्लेन कर दिया गया, एक्सप्लेन किया आपको। ऑप्शन नंबर ए में अगर जाते हैं तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज जो है बीच में आ गया है, मिड पोजिशन आ गई है इसकी, है। और मैनी टाइम्स डाई, अब ये मैनी टाइम्स भी जो है डाई के बाद रखा जाएगा। आई प्ले क्रिकेट मैनी टाइम्स होगा, आई मैनी टाइम्स प्ले क्रिकेट नहीं होगा, तो इस ऑप्शन पे हम ए को हटा सकते हैं। और बिफोर डाई, अब ये बिफोर के बाद एक वर्ब तो है लेकिन हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है डाई के लिए, राइट। और अगर ये प्रेपोजिशन है तो एनी अदर प्रेप में जाएगा, तो इसको डाइंग करना पड़ता। बिफोर डाइंग ही गेव मी ऑल हिज मनी बिफोर डाइंग, यहाँ पे प्रेपोजिशन बन जाता, लेकिन ना तो ये प्रेपोजिशन बन पा रहा है बी में, ना ये क्लॉज बन कंजंक्शन बन पा रहा है, तो नहीं हो सकता। और सी देखेंगे तो फिर मैनी टाइम जो है डाई से पहले आ गया, जो एक सही पोजिशन नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर डी होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 62। इट्स नाइस क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं इसको चलाता हूँ। हिस्ट्री इज विटनेस्ड फॉर नंबर ऑफ ऑ इंस्पायरिंग एंड ब्रेव वीमेन, राइट। इज विटनेस्ड, अगर मैं बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री को विटनेस किया जाता है, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, और अगर हम कहीं ऑप्शन में स्टिक कर जाते हैं तो फिर हम सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय जो हमारा जो टारगेट है वो है अंडरलाइन हाईलाइटेड पार्ट जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑप्शन में इज विटनेस, इज विटनेस, इज विटनेस, इज विटनेस एंड नो इम्प्रूवमेंट, मतलब 3 ऑप्शन में हमारे पास जो है ये हमको दिया गया है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इतिहास एक गवाह है, विटनेस है, या इतिहास विटनेस किया जाता है फॉर नंबर ऑफ ऑ इंस्पायरिंग एंड ब्रेव वीमेन, तो इतिहास गवाह, विटनेस नहीं किया जाता, इतिहास एक गवाह है ऐसी महिलाओं का, तो उस केस में हम लोग बी के साथ जा सकते हैं या फिर डी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट किया जा सकता है। नाउ हिस्ट्री इज विटनेस टू अ नंबर ऑफ ऑ इंस्पायरिंग, ऑ को इंस्पायर करने वाले, द राइजिंग सन, उगने वाला सूरज, द रनिंग हॉर्स, दौड़ने वाला घोड़ा, द मोटिवेटिंग टीचर, दौड़ाने मोटिवेट करने वाला टीचर, तो एडजेक्टिव चाहिए होगा और एंड के बाद आप देखें यहाँ पे तो एक जो अंडरलाइन नहीं है ब्रेव, ये भी एक एडजेक्टिव है, तो मुझे यहाँ पर एक एडजेक्टिव चाहिए होगा। तो क्या डी में ये एडजेक्टिव है, नहीं एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बनाने के लिए क्योंकि वर्ब दिया गया है, इंस्पायर तो एक वर्ब है, और वर्ब का अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो हमें प्रेजेंट पार्ट्स भी या पास्ट पार्ट्स भी चाहिए होता है, तो इस काउंट पे क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, ऑप्शन डी को एलिमिनेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बी होगा। 63 एक इजी क्वेश्चन है, ये आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे SVA का प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे ये एज नहीं है, ये हैज ही लिखा हुआ है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन है, द डिस्पैरिटी, ये प्रीपोजिशन शुरू हो गया, प्रीपोजिशन से हमें कोई मतलब नहीं होता, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन होगा, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब ऑब्जेक्ट से एग्री नहीं करती। उसके बाद द पुअर एंड द रिच, अगर आप देखें द पुअर एंड द रिच जो है प्लूरल नंबर है, लेकिन ये प्रीपोजिशन ऑफ के ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द डिस्पैरिटी है। और इसका नंबर कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, तो हम ए को और सी को हटा सकते हैं। तो हैज आएगा और हैज यहाँ पे भी है, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, हैज बाइडेंट, तो क्योंकि ई में थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए ई को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ऑन द लास्ट फ्यू डिकेट्स, जो टाइम का जो एक्सप्रेशन है ये अपने से पहले प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेगा, इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स, या हम ड्यूरिंग कर सकते थे, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेट्स, तो प्रेपोजिशन के काउंट पर ऑन यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर डी होगा, इजी टेक है।
64, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जाएंगे तो इनका हिस्ट्री जो है बैंक में भी है, आप देख सकते हैं एसएससी में भी है ये, और ये कैट और जीमैट में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो इनका जो नॉर्मल है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस दिया गया है, 200 पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड बाई द कंपनी। तो क्या ये नो इम्प्रूवमेंट है? हाँ, ये नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं जा कह सकता, लेकिन ये नो करेक्शन है, इसमें किसी करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मेरा करेक्शन में रहा होता तो मैं इसे नो एरर मार्क कर देता। और आज के बाद ध्यान रखिएगा, इम्प्रूवमेंट में अगर आपको एक एक्टिव वॉइस दिया गया है, पैसिव वॉइस दिया गया है, तो आप हमेशा एक्टिव वॉइस के साथ जाइएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस जो फॉर्म होती है थोड़ा शॉर्टर फॉर्म होती है, राइट? तो 200 पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय, ये भी पैसिव है, टू द कंपनी एम्प्लॉयड 200 पीपल, ठीक है? ये एक्टिव वॉइस है, और द कंपनी हैज एम्प्लॉयड 200 पीपल, दोनों सही है। ओरिजिनल सेंटेंस में जो हमको दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है, राइट? मैं यहाँ पे एक्टिव पैसिव नहीं कर रहा हूँ, तो बी भी सही है और सी भी सही है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन के इंटेंट को हम लोग फॉलो करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर सी में हम जाएंगे तो एक्टिव वॉइस के साथ, लेकिन वो बी नहीं हुआ, वो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ओरिजिनल सेंटेंस के इंटेंट को हमेशा फॉलो किया जाता है, राइट? और सब कुछ ठीक है। 64, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। वी हैव हायर्ड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू प्रिपेयर अ कैंपेन टू एनकरेज पीपल वोट। तो कैंपेन अभियान चलाया जाएगा किस लिए? लोगों को प्रेरित किया जाए किसके लिए? वोट करने के लिए। तो लोगों को वोट करने के लिए हमें पर्पस दिखाना है। पर्पस दिखाने के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है, हमारे पास इन्फिनेटिव आता है, तो और एनकरेज के बाद जो है पर्पस दिखाने के लिए टू वोट आएगा हमारे पास। तो ये तो बहुत आसान सा टेक है। और एनकरेज वोटिंग फॉर पीपल, आप देख सकते हैं पीपल फ्रॉम वोटिंग, लोग वोटिंग से नहीं, वोटिंग करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हिंदी में जैसे हमने कहा था फॉर वोटिंग, वो हिंदी में सही होता है, लेकिन हम इंग्लिश में इसको टू वोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर, अगर आपने पिछले क्वेश्चन किए तो आप इजिली, अब इसको बार बार एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसे क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं। तो 65 का आंसर जो होगा सी होगा। लोगों को एनकरेज किया जा रहा है, हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर की है जो अभियान चलाएगी ताकि लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित किया जा सके, वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा सके। 66 पे आएगा। हाउ इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच। ये आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो जो ये वाला पार्ट है इसको कॉमा से अलग कर दिया गया है, और ये फाइनल वर्ब आपको इज दिखाई पड़ रही है, और इसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाउ द बॉय कुड फॉल इन टू अ डिच, इसको अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ इस वाले पार्ट को कि यहाँ नहीं है, तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचता है हाउ द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच। ये क्वेश्चन हो गया। नरेशन के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इंट्रोगेटिव क्लॉज अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में फंक्शन करता है तो अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म को छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव इस समय जो डी का जो ऑप्शन है उसमें हाउ द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच किसी वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रेप के ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इसे अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म बनानी पड़ती, ठीक है? एरर तब भी होती क्योंकि हमारे पास इज का जो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो दो काउंट पर, क्योंकि एक तो इसका इज का सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास और ये इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं बनी हुई है, हम डी को एलिमिनेट कर देंगे, राइट? हाउ द बॉय कुड फॉल इन टू द डिच, ये पूरे का पूरा क्लॉज बन सकता है और ये इसका सब्जेक्ट बन सकता है, राइट? कई बार बात हो चुकी है ये, आपने सब्जेक्ट और एलिमेंट के टॉपिक में देखा होगा जो क्लासेज में डिस्कस किया गया था कि एक इंट्रोगेटिव क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में फंक्शन करता है, जो मैं बार बार इसको बोलता रहता हूँ। तो इस समय तो ए आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है? प्रिपोजिशन फ्रेज हो गया, और प्रिपोजिशन फ्रेज जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में फंक्शन नहीं करते, ये एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में फंक्शन करते हैं, और इसको हमें क्या चाहिए? इसको चाहिए एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है? एक सब्जेक्ट चाहिए, और क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इस काउंट पर ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड हाउ कुड द बॉय फॉल इन टू द डिच, आप ए को देखिए और सी को देखिए, क्या ये वाला पार्ट इज के सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है? हाँ, कर रहा है, इंट्रोगेटिव क्लॉज फंक्शन करते हैं, लेकिन उस केस में इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म छोड़नी होती है, लेकिन इसने अपनी इंट्रोगेटिव फॉर्म बना रखी है। एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन का बहुत ट्रेंड रहा है पहले और अभी भी है। एक्चुअली आपको इन क्वेश्चन से अवेयर कराया गया है नहीं कराया गया मैं नहीं जानता, लेकिन इस क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते, तो इनको आप सामना करिए आप इनका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर ए होगा। लेट्स मूव टू 67। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े नोट्स भी दिए हैं। द डेथ टोल रोज टू 2005 विद मोस्ट ऑफ द डेथ्स इन सेंट्रल हुबेई प्रोविंस वेयर इन द वायरस फर्स्टली एमर्ज इन डिसम्बर बिफोर
इन दिसंबर बिफोर स्पायरलिंग इनटू अ नेशन वाइड एपिडेमिक। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था बिफोर एक प्रपोजिशन भी है कंजंक्शन भी और एनी अदर प्रकी वैसे जनरल लेता है अपने पास। तो पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे पहला क्वेश्चन था वो 61 काउ वर्ड्स बिफोर देयर डेथ डाई मेनी टाइम्स, तो अगर उस वाले क्वेश्चन को आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन से मतलब क्या, वेयर इन, आप वेयर इन का मतलब क्या होता है, इन विच प्लेस सिचुएशन और थिंग, कहाँ पर है ना, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, इन विच प्लेस सिचुएशन और इन व्हाट वे, आप वेयर का यूज करते हैं, वेयर की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर ईच एम्प्लॉयज वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड। तो वेयर इन और वेयर में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, फर्स्टली देखते हैं, वेयर इन और वेयर में कोई अंतर नहीं है। वेयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म, तो वेयर की काम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ठीक है। देख अब फर्स्टली को देखिएगा, जो प्रॉब्लम मैंने दी है, यूज टू इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स यू वांट टू मेक इन अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग। कुछ नहीं है, आप इसको मत देखिए, अगर आपके पास एक सीरीज है तो आप पहले बोल सकते हैं फर्स्टली, फिर बोल सकते हैं सेकेंडली, एंड एट लास्ट आप बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई सीरीज नहीं है, कोई हमारे पास कोई रीजन नहीं है, फर्स्टली आई गो टू डेली एंड सेकेंडली आई मीट रवि, तो यहाँ पे दो एक्शन है, मैं दिल्ली जाऊंगा और रवि से मिलूंगा, तो फर्स्टली और सेकेंडली का प्रयोग मैं वहां पे कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सीरीज ऑफ एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए फर्स्टली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फर्स्टली क्योंकि यूज नहीं हो सकता, तो ए को और ई को एलिमिनेट किया जा सकता है, राइट। अब हुबई प्रांस है, प्रोविंस जो है सेंट्रल हुबई प्रोविंस, ये समय है या जगह है, ये तो प्लेस है, तो हम लोग वैन का प्रयोग नहीं कर सकते, वैन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। एंड वेयर द वायरस वायरस बीन एमर्ज फर्स्ट, तो वेयर द वायरस एमर्ज फर्स्ट, तो बीन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। वेयर वेयर यू वेंट, वेयर द सन एमर्ज, ऐसे करके बोला जाएगा, क्योंकि ठीक है, तो बीन की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो इसका नंबर 67 का आंसर जो होगा डी होगा, राइट। सिक्सटी एट क्वेश्चन देख सकते हैं, रिलैक्सिंग रेगुलेशंस विल अलाउ इन्वेस्टर्स टू डाइवर्स असेट एंड इन्वेस्ट देयर मनी वेयर एवर दे सी फिट। तो क्योंकि मैंने लिखना नहीं ज़्यादा मैं लिखना चाहता था और थोड़ा लिखने में हमें स्पेस का मिलता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डाइवर्स एक्चुअली एडजेक्टिव है, ठीक है, और डाइवर्सीफाई क्या है, एक वर्ब है। मैं अपनी असेट्स को डाइवर्सीफाई कर रहा हूँ, मतलब कई भागों में बांट रहा हूँ ताकि मेरा रिस्क कम हो जाए, है ना। जब हम आजकल देखते हैं बैंक, बैंक जो है थोड़ा सा, बैंक से आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, तो अगर आप अपने अकाउंट को डाइवर्सिफाई कर दें, तीन बैंक में रख दें, या आप शेयर मार्केट में करते हैं, अगर आप एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगाएंगे, तो अगर वो कंपनी जो है अगर प्लंज करती है तो आपका सारा पैसा भी प्लंज हो जाएगा, तो हम डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि रिलैक्सिंग रेगुलेशन विल अलाउ इन्वेस्टर्स, अगर हम रेगुलेशन को रिलैक्स करेंगे तो ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करेगा कि आप अपने एसेट को डाइवर्सिफाई करिए, और यहाँ पर आप देखिए एंड के बाद इन्वेस्ट एक वर्ब और है, राइट, एक वर्ब और है, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कौन करेगा, इन्वेस्टर करेगा, ठीक है, और डाइवर्सिफाई कौन करेगा, ये करेगा, ये इन्वेस्टर्स ही करेंगे, और क्योंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसने इन्फिनिटिव लिया हुआ है, तो ये वाला जो एंड है इस वाली वर्ब को, इन्वेस्ट को, और इसको यहाँ पे वर्ब चाहिए हमें, तो वर्ब जो हमारे पास केवल ए में दी गई है, और ये तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा और ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि हमारे पास बाद में वर्ब लिखी है जो इन्वेस्ट के रूप में दिखाई पड़ रही है, तो हमें इससे पहले भी एक वर्ब चाहिए होगी, तो और वो वर्ब जो हमें ए में दिखाई पड़ रही है, और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने विशेष को, आप कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन का जो आपके पास जो हिंट है वो एक्चुअली इस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका हिंट है, ठीक है, क्योंकि एंड के बाद अगर एक वर्ब है तो कंजंक्शन से पहले एक वर्ब होनी चाहिए, और ये वर्ब जिस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, तो इससे पहले एक फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और एंड जो है जब इन्फिनिटिव को जोड़ता है, दो इन्फिनिटिव को ऐड करता है, तो ये बाद में टू लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट एंड वॉच अ मूवी, तो वॉच से पहले मैंने जो है टू नहीं लगाया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर ए होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 69, इजी टेक है। द ऑफिसर अप्रिशिएटेड हिज सबॉर्डिनेट्स मैनी अटेम्प्ट टू ब्रेवली कॉन्फ्रंट द मिस्क्रियंट्स, एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं, तो मैनी के बाद जो नाउन आएगा
वो प्लूरल नंबर में आएगा। लास्ट सेशन में हमने बताया था कि अटेम्प्ट एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है, और दोनों केसेज में ये अपने बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर लेता है। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूली देख रहे हैं और वहाँ पे नोट्स बना लेते हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो आप एक्चुअल पेपर में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट लिखा है, व्हाट्सएप पे लिखा मुझे कि सर ग्रामर के क्वेश्चंस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ग्रामर के क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं एक सीरीज बना सकता हूँ जो हम कर सकते हैं, लेकिन जो आप इन क्वेश्चंस को अगर देखेंगे नहीं, आप इनको ढंग से अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर आप उनको आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उससे आपको मैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखते हैं, मैनी के बाद एक तो नाउन आएगा, और नाउन किस में आएगा, प्लूरल नंबर में आएगा। तो मैनी के बाद अटेम्प्टिंग हम लोग पहले से कई बार देख चुके हैं, वर्ब लगाए हैं, नाउन लगाए, जेरंड लगाए या फिर नॉर्मल नाउन लगाए। तो अटेम्प्ट एक वर्ब भी है और एक नाउन है। नॉर्मल नाउन मेरे पास एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, अटेम्प्टिंग को नहीं कर सकता। ठीक है, एंड मैनी ब्रेव अटेम्प्ट्स, ये देखिएगा, तो मैनी अटेम्प्ट कैसे हो गए, ब्रेव हो गए, ठीक है, सही है। और मैनी ने क्या नाउन के लिया, और टू कॉन्फ्रेंट सामना करने के लिए, ठीक है। रिपीटेड अटेम्प्ट्स हो सकता है, मीनिंग चेंज हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, और रिपीटेड अटेम्प्ट्स हो गया। और टू कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट क्या है, वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। यहाँ पर अगर एक एडवर्ब होता तो शायद ये सही होता। स्प्लिट इन्फिनिटिव पे अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो कहते हैं कि टू और वी वन के बीच में एक स्प्लिट इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें स्प्लिट इन्फिनिटिव का प्रयोग खूब किया जाता है। बैंकिंग में बहुत क्वेश्चंस हैं जहाँ पे स्प्लिट इन्फिनिटिव को यूज किया गया है और ये वैलिड है, राइट। सेकेंड देख लेते हैं, मैनी अटेम्प्ट सही है। ऑफ के बाद अगर लगाएंगे तो एक तो एनी अदर प्रेप है, तो कॉन्फ्रंट ना करके कॉन्फ्रंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में एक नाउन दिया गया है। कॉन्फ्रंट जो वर्ब है इसका नाउन जो कॉन्फ्रंटेशन है, आमना सामना, और कॉन्फ्रंटिंग जरन बन जाएगा, लेकिन बाद में, क्योंकि अगर हम कॉन्फ्रंटेशन लगा दें यहाँ पे तो बाद में एक नाउन और दिया गया, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम अगले क्वेश्चन के बारे में सोच के बोल रहे हैं। तो एनी अदर प्रेप है, इसकी वजह से ये कॉन्फ्रंटिंग में चला जाता, तो एक तो गलत है। और फर्दर मोर कॉन्फ्रंटिंग क्या होता, जरन होता, जरन क्या है, वर्ब है, और इसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। तो मैंने आपको इस ऑप्शन क्वेश्चन में जो हमने किया, अटेम्प्टिंग की वजह से ए गया, और ब्रेव को ब्रेवली नहीं किया इसलिए सी चला गया, और ऑफ की वजह से दो काउंट है हमारे पास, एक तो ये जरन में नहीं गया और ये ब्रेवली में नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बी होगा, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 70, आ डिफिकल्ट एक, दिस क्वेश्चन इज अ डिफिकल्ट एक। बुक्स फॉर द यूज बुक सेल्स शुड बी इन गुड कंडीशन एंड शुड हैव नो राइटिंग इन देम और बी अंडरलाइन। इस क्वेश्चन को अगर आप बाद में पॉज करके देखेंगे, जब ये क्वेश्चन अभी आप कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को पहले आप पॉज कर लीजिए और देख लीजिए कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। और जब आप एक आंसर टिक कर लें इसका, और जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे आपको, तो उसमें आपने इसको शायद आंसर कर लिया होगा। तो अब इसका रीजन देख लेते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। अभी हम लोगों ने कंजंक्शन एंड वाला केस देखा था, इन्वेस्ट बाद में लिखा हुआ था, तो हमने डाइवर्स को जो एडजेक्टिव था उसको डाइवर्सिफाई किया था। अब यहाँ पे देखते हैं एंड के बाद एक कंजंक्शन, ये है एंड है, और एंड ने क्या जो है, एंड शुड हैव नो राइटिंग, इसके अंदर कोई राइटिंग नहीं। जो बुक्स हैं, जो यूज बुक सेल्स हैं, यूज बुक मतलब सेकेंड हैंड जो किताबें हैं, जो सेल्स के लिए किताबें आएंगी, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, एंड शुड हैव नो राइटिंग इन दैम, और इसमें कोई राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए, और बी अंडरलाइन, ये भी एक कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन है तो कंजंक्शन तो सेम चीजों को जोड़ेगा, तो हो क्या रहा है, आपने यहाँ पर एक शुड दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक शुड दे दिया, बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला और जो कंजंक्शन है, ये भी तो इस वाले शुड हैव नो राइटिंग इन दैम और बी अंडरलाइन वाले क्लॉज को जो पार्ट को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे शुड चाहिए, नो राइटिंग इन दैम और शुड नॉट बी अंडरलाइन। अगर ये लिखा होता और शुड नॉट बी अंडरलाइन, तो तीनों का स्ट्रक्चर एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनता, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ई नहीं हो सकता, राइट। एंड आते हैं ए में, आते हैं, शुड बी इन गुड कंडीशन विदाउट हैविंग एनी राइटिंग और नो अंडरलाइनिंग इन देम। तो विदाउट हैविंग एनी राइटिंग एक तो बन गया, और एनी, क्योंकि विदाउट से निगेटिव बनता है सेंटेंस हमारा, तो यहाँ पे नो की जगह अगर मैं एनी कर दूँ तो मेरा आंसर ए सही हो जाएगा, विदाउट हैविंग एनी राइटिंग और एनी अंडरलाइनिंग इन एनी। तो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए किताबें, इसमें कोई राइटिंग नहीं होनी चाहिए और कोई अंडरलाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं शुड के बाद, ये तो बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है, आई शुड कम हियर एंड टॉक टू यू, तो आई शुड कम हियर एंड टॉक टू यू, तो एंड क्या कर रहा है, कम और टॉक को जोड़ रहा है, जो कि दो बेयर इन्फिनिटिव है, और डाइवर्सिफाई और इन्वेस्ट वाले में दो टू इन्फिनिटिव थे, तो ठीक है। एक फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है,
एंड कंटेन, यहाँ पे हमने एक फॉर्म और ले ली, तो ये एंड क्या कर रहा है, ये एंड इस बी को जो शुड के बाद बी आया है वो, और शुड के बाद जो बी है उसको जोड़ रहा है और कंटेन को जोड़ रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो ठीक है, आगे देखा जा सकता है। एंड कंटेन नो राइटिंग और अंडरलाइनिंग, और इसमें कोई राइटिंग और अंडरलाइनिंग नहीं होनी चाहिए, तो पूरा सेंस हमारा निकल के आता है, लेकिन सी में जाते हैं। एंड विदाउट कंटेनिंग राइटिंग विदाउट एनी अदर प्रेप है तो क्या लेगा, जनरल लेगा, तो इसको भी तो बीइंग करना पड़ेगा, तो इस काउंट पर, क्योंकि और के बाद, अगर और से पहले जेरंड है तो और के बाद भी जेरंड आएगा, क्योंकि तो पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है, सी को एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड शुड नॉट हैव राइटिंग से रिटेन, ये क्या मतलब है राइटिंग से रिटेन, राइटिंग तो रिटेन ही होगी, तो ये रिटेंडेंसी का पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर डी भी नहीं होगा। और एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा, तो यहाँ पर आप इसको देखिएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बी, इसने बिल्कुल पैरेलल किया है शुड से, ये जो ये वाला जो बी है, ये वाला और ये कंटेन, ये एंड जो है, इन दोनों वर्ब्स को जोड़ रहा है, और पूरा सेंस भी आता है कि जो यूज बुक सेल्स की जो बुक्स होंगी वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, और उनके अंदर कोई राइटिंग नहीं होनी चाहिए, और कोई भी अंडरलाइनिंग भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बी होगा। 71 पे आते हैं। इफ द कंप्लेंट इज नॉट एड्रेस विद इन 30 डेज, ब्रिंग द मैटर टू नोटिस द आरबीआई कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट, ठीक है ना, गुड। प्रॉब्लम, डिड यू नोटिस द डिफरेंस, तो नोटिस यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, डिड यू नोटिस द डिफरेंस में नोटिस एक वर्ब है, और यहाँ पे क्या है, टू नोटिस, ध्यान देखना किसी को, तो क्या हम ये नोटिस जो है वर्ब है नाउन है, अभी हमने लास्ट में देखा कि अटेम्प्ट एक वर्ब भी है नाउन है, तो एक इशू रहता है, तो हमें ये मेरे नोटिस में लाइएगा, ये मेरे नोटिस में तो नहीं है, तो दिस इज नॉट इन माई नोटिस, माई के बाद तो नाउन आएगा, तो नोटिस नाउन है यहाँ पे। एंड आई डिड नॉट नोटिस यू गो, मैंने आपको जाते हुए नहीं देखा, तो यहाँ पे वर्ब है, तो अब मुझे ये देखना है ये नोटिस वर्ब है या नाउन है, नोटिस मतलब तो देखना, वर्ब के रूप में आता है, और नोटिस ध्यान में लाना, मेरे ध्यान में, तो यू डिड नॉट ब्रिंग इट टू माई नोटिस, आप इसे मेरे ध्यान में लेके नहीं आए, मेरे नोटिस में तो ये है नहीं, तो यहाँ पर ये एक नाउन है, अब नाउन है तो नाउन के बाद आपको एक आरबीआई और आगे दिखाई पड़े, दो नाउन है, दो नाउन को ऐड करने के लिए, दो नाउन को ऐड करने के लिए हमें, मैंने कई बार बोला है, या तो आप लगाइए कंजंक्शन अगर आप इनको पैरेलल करना चाहते हैं, और अगर आप इनमें रिलेशन दिखाना चाहते हैं, तो आपके पास जो चीज है वो है प्रपोजिशन, ठीक है। तो देखते हैं, ब्रिंग द, अगर कंप्लेंट एड्रेस नहीं होती 30 दिन में, 30 दिन में कंप्लेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो ब्रिंग द मैटर आप लाइए बिफोर नोटिसिंग, ये क्या हो गया, नोटिस करने से पहले नहीं, आपको इस मैटर को आरबीआई के संज्ञान में, आरबीआई के ध्यान में लाना है, आरबीआई कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो है इसके ध्यान में लाना है, तो हमें जॉइंट की आवश्यकता नहीं, और सेंस चेंज हो जाएगा। ब्रिंग द मैटर, मैटर विल बी नोटिस बाई, तो विल का सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, मैटर, द मैटर सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन ये तो ब्रिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड थ्रू इट्स नोटिस ऑफ, ब्रिंग द मैटर थ्रू इट्स नोटिस ऑफ द आरबीआई, कोई मतलब किसी प्रकार से कोई स्ट्रक्चर, ये एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, सेंटेंस नहीं बन रहा। एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द आरबीआई कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही बनता है, अगर 30 डेज के अंदर के विद इन 30 डेज में ही कंप्लेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसको आप आरबीआई के नोटिस में लेकर आइए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर डी होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 72। देखिए इस क्वेश्चन को आप, बाई डेफिनेशन प्रेपोशन फ्रेज एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में फंक्शन करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन नहीं कर सकते, तो फिर इसका सब्जेक्ट कौन है, इज का सब्जेक्ट कौन है, राइट। एंड मेक अ मैप, ये तो एक इंपरेटिव सेंटेंस हो सकता है, या फिर ये बेयर इन्फिनिटिव हो सकता है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव भी फंक्शन नहीं कर सकते सब्जेक्ट के रूप में, और पूरे का पूरा इंपरेटिव सेंटेंस भी सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन नहीं कर सकता, तो मुझे सब्जेक्ट के लिए एक नाउन चाहिए होगा। आप कहेंगे अ मैप नाउन है ना, अ मैप मेक का ऑब्जेक्ट है, अ मैप मेक का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो अब सब्जेक्ट बनाने के लिए इसे नाउन बनाना पड़ेगा मेक को, और अगर मेक को आपको बनाना है नाउन, सब्जेक्ट बनाना है, तो आपके पास दो चीजें, इन्फिनिटिव या जरंड, इन्फिनिटिव या जरंड, तो देख लेते हैं। तो टू मेक अ मैप बाई डेफिनेशन ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, ये तो एक फ्रेज इन एपोजिशन हो गया, इसको मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसको मैं ऐसे करके हटा सकता हूँ, और फिर उसके इसमें इज अंडरलाइन नहीं है, तो ये सब्जेक्ट बन सकता है, मैप मेकिंग भी सब्जेक्ट बन सकता है, तो एक इज तो आपके पास ये आ गया, और एक इज जो अंडरलाइन नहीं है ये भी आप देखिए,
एक इस तो ये आ गया, एक इस ये आ गया, दो फाइंड वर्ब हो गए। दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास कंजंक्शन नहीं है, बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। सी को, इन मेकिंग अ मैप द डेफिनेशन इज, मैप बनाने में डेफिनेशन है नहीं, बाय डेफिनेशन मैप बनाना क्या होता है, मेकिंग अ मैप इज टू सेलेक्ट सर्टेन फीचर्स एज रिलेवेंट एंड इग्नोर अदर्स, तो बनाने में आवश्यकता है। इन मैप मेकिंग द डेफिनेशन इज टू सेलेक्ट, परिभाषा सेलेक्ट नहीं की जा सकती। मैप बनाना मतलब एक मानचित्र को बनाना का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप सर्टेन कुछ फीचर्स को ज्यादा रिलेवेंट करिए और कुछ को इग्नोर कर दीजिए। द मैप मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ठीक है, इन्वॉल्व्स ठीक है, बाय डेफिनेशन नहीं। अब यहाँ पे बाय के बाद हम नाउन लगाएं या जेनरल लगाएं, नॉर्मल नाउन है डिफाइन जो वर्ब आपने सुनी है, डिफाइन जो वर्ब है इसका जो नाउन है वो है डेफिनेशन, और जो वर्ब जेनरल बन जाएगा बाय डिफाइनिंग। तो क्योंकि बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, बाद में सीधा वर्ब आ गई है एज, इसलिए डी को एलिमिनेट किया जा सकता है। ये हमारा ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मेकिंग मेकिंग होता, मेकिंग वो भी एक सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर ए होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। फ्रस्ट्रेटेड फैमिलीज ऑफ द मिसिंग प्यूपल हैव सॉट एक्सेस, उन्होंने टू ऑल डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने ये एक्सेस मांगी है सभी डॉक्यूमेंट्स पे जिनके लोग मिसिंग है, एंड डेटा कंसर्निंग द सर्च, खोज से संबंधित क्या डेटा है, क्या डॉक्यूमेंट्स है। ऑल द इंक्लूजन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड द इंक्लूजन ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन द इंक्वायरी, और ये कहा है कि सारे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो इस जांच में शामिल हों। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल नाउन, ये प्रिपोजिशन आ गया, प्रिपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकते, सब्जेक्ट कौन बनेगा, फैमिलीज, फैमिलीज के हिसाब से नंबर कैसा आएगा, प्लूरल। तो हमारे पास प्लूरल वर्ब ए है और आर है, आर है ठीक है, और तो हम लोग सब, और ये ई ई भी, ई में भी हैव लिखा हुआ, तो ठीक है। तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के काउंट पे हम लोग बी को और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल बी और डी को हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो B and D have been eliminated now. Access, I have no access to the document. तो एक normal noun जब exist करता है तो मुझे वहाँ पे gerund की आवश्यकता नहीं होती, ये चीज हम, और ठीक है। And have sought accesses, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो eliminated है। Age seeking access, ये SVS से गलत हो गया था, ठीक है। तो A हटा दिया हम लोगों ने यहाँ से, और हमारा A eliminate हो गया, ये हो गया। अब R seeking, तो seeking के बाद हमें noun चाहिए ना, क्योंकि आगे तो प्रीपोजिशन आ गया, तो यहाँ पे नाउन चाहिए, और पास्ट पार्टिसिपल जो है नाउन के रूप में फंक्शन नहीं कर सकते। सी भी इसका एक आंसर नहीं होगा, 73 का आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिएगा, SVA सही है, SVA सही है, SVA सही है, ठीक है, SVA सही है, ई में भी सही है। अब आई सीक एक्सेस, आई 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 नीड एक्सेस, तो यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, नाउन नॉर्मल नाउन एग्जिस्ट करता है तो मैं जरन नहीं लगा सकता, इसलिए मैं ए को नहीं लगाऊंगा, SVA के हिसाब से मैं इसको हटा दूंगा। SVA ठीक है सी में, लेकिन यहाँ पे नाउन चाहिए और पास्ट पार्टिसिपल नाउन के रूप में फंक्शन नहीं करते, इसलिए सी आंसर नहीं हो सकता, और डी में SVA गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर ई होगा। 74, एप्पल एंड इट्स मैन्युफैक्चरर्स, एंड जो है एक एप्पल है और एक इट्स मैन्युफैक्चरर्स प्लूरल नंबर है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, और प्लूरल वर्ब जो आएगी वो हैव है और हैव है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसकी लेंथ पे मत जाइएगा, बिल्कुल मत जाइएगा। ए को और सी को और ई को तो आप हटा दीजिए, ए थोड़ा कलर सेम हो रहा है ना, हम लोग ए को सी को और ई को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद बी एंड डी। हैव के बाद हैव टू, आई हैव टू गो, आई हैव टू गोइंग, आई हैव टू गो होता तो शटिंग नहीं आ सकता, इसका आंसर डी नहीं हो सकता। हम लोग सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके थे, तो बचे हुए ऑप्शन में से हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन 75। बिकॉज ऑफ द पेशेंट्स इल हेल्थ, लूजिंग वेट वॉज एडवाइज हिम बाय द डॉक्टर। एक तो पैसिव वॉइस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे अगर हम टू लगा दें, यहाँ पे टू लगा दें तो एक सही ऑप्शन बन सकता था, लेकिन वो नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। बिकॉज ऑफ द पेशेंट्स इल हेल्थ, पेशेंट्स की खराब स्वास्थ्य की वजह से लूज वेट वॉज,
अभी हमने देखा था कि अगर हम फर्स्ट फॉर्म को लगाएं लूज वेट या तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा या फिर लूज जो होगा बेयर इंफिनिटिव होगा, दोनों ही केस में सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ये इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। टू लूज अभी देखा था मैप मेकिंग में, हम लोग इसको बना सकते हैं सब्जेक्ट, टू लूज वेट वॉज एडवाइज टू हिम बाई द डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है, बी हो सकता है आंसर, एंड ही वॉज एडवाइज बाई द डॉक्टर टू लूज वेट, ये एक्टिव वॉइस है और बी जो है पैसिव वॉइस है। और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जो 200 पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, और मैंने बताया था कि अगर एक्टिव दिया जाए और पैसिव दिया जाए तो आप हमेशा आप एक्टिव वॉइस के साथ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर सी होगा। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 61 to 75 किए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इनको एंजॉय करिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इनको 2-3 बार देखिए, क्योंकि इसके बिना आगे काम चलना थोड़ा मुश्किल होगा अगर आपके टारगेट्स थोड़े ऊंचे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।